पतंग उड़ाई जाती है कुछ जगहों पर गुजरात की तरफ तो जब भी किसने पहली बार पतंग उड़ाई होगी तो क्या सोचकर उड़ाई होगी तो पहली बार पतंग उड़ाने वाले के अंदर एक ही विचार था कम्युनिकेशन विद गॉड बहुत क्रिएटिव पर्सन था जिसने पतंग उड़ाया पहला पतंग उड़ाया वो बहुत क्रिएटिव पर्सन था कम्युनिकेशन विद गॉड कम्युनिकेशन तो अंदर ही होती है बाहर का कर्मकांड हेल्प करता है सभी लोग आसानी से अपने अंदर कम्युनिकेट नहीं कर पाते मन इधर उधर भागता है तो कुछ कर्मकांड बनाए जाते हैं ये दिया जलाओ इस तरह के वस्त्र पहनो इस तरह नहाकर इस आसन पर इस मुद्रा में इस तरह हाथ जोड़कर इस तरह हाथ ऊपर करके इस तरह वज्रासन में इस तरह पद्मासन में ऐसे अलग अलग बनाए गए ये भाव क्रिएट करने के लिए ये हमारे मन को टिकाने के लिए उस कम्युनिकेशन पर क्योंकि वो सूक्ष्म आवाज है जल्दी सुनाई नहीं देती है इंसान डिकोड नहीं कर पाता तो मन उतना कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए एक कर्म कांड हेल्प करता है तो पतंग उड़ाने वाला इंसान उस पतंग के बहाने अब मैंने कम्युनिकेशन कर दी ईश्वर ऊपर है इस धारणा के साथ पतंग बनाई गई उड़ाई गई कि अब और नजदीक गए हम ईश्वर के उस पतंग के सहारे वो पतंग फीडबैक थी ना या प्रार्थना कर रहे हैं जो मांग है हमारी हेल्प सबसे छोटी प्रार्थना क्या हो सकती है हेल्प कि मुझे हेल्प की आवश्यकता है शिप पर जब कोई डूब रही है शिप फ्रेंडशिप टूट रही है हेल्प चाहिए शिप डूब रही है तो लोग क्या करते एक धुएं का रॉकेट छोड़ते आसमान में जाता है ऊपर दूर से भी कोई देख सकता है कि वहां हेल्प की जरूरत है तो पतंग ऊपर गया है तो क्या याद दिला रहा है ईश्वर को कि वहां हेल्प की जरूरत है पतंग उड़ाने से ऐसा हो जाएगा अगर फेथ है क्योंकि विश्वास बड़ा काम करता है जिसने पहली बार पतंग इस विश्वास के साथ पतंग उड़ाई कि ये कम्युनिकेशन ये मैंने किया यानी अंदर से फेथ रिलीज हुआ विश्वास प्रकट होना चाहिए प्रकट करने के लिए बाहर के कर्मकांड बनाए गए कि अब मैंने पतंग उड़ाई है यानी मैंने कम्युनिकेट कर दिया अब जो होना है उधर से होना है अब निश्चिंत होकर बैठना है हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया हमारा रोल खत्म हुआ हमने प्रार्थना कर दी अब बाकी वहां से जो होना है उसका काम है तो पर्सन निश्चिंत हो सकता है सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है तेज ज्ञान नहीं तेज ज्ञान सरश्री श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैपी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें